ये दो ऑप्शंस मैंने आपको कल स्किप करवाए थे, आज स्टार्ट करते हैं इसको। कल हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जो है वो मूव करते हैं, तो बीच में कोई ना कोई आपके पास जो एनिमेशन या इफेक्ट लगाते हैं उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। अच्छा, उस ट्रांजिशन के इफेक्ट्स को हम लोग खुद ब खुद जो है वो भी करवा सकते हैं और क्लिक के ऊपर भी करवा सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस पॉइंट को कब इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपके पास जब ट्रांजिशन चेंज हो रही है, तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जो भी आपके पास इफेक्ट्स हो रहा है वो 2 सेकंड्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, फास्ट करने के लिए आप इसको कम कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने और थोड़ा डिले करना है तो यहाँ पे आप इसको इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इस स्लाइड के ऊपर जैसे हमने कर्टेन का ये इफेक्ट लगाया, तो यहाँ पे आपके पास ये 6 सेकंड्स के अंदर जाके पूरा कवर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ कि 3 सेकेंड। ठीक है, और अब मैं F5 के थ्रू इसको प्ले करता हूँ, अब थोड़ा ये आपके पास फास्ट हो गया। ठीक है, तो और डिले करना हो तो आपके पास यहाँ पर आप इसको मज़ीद डिले भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड्स इंक्रीज करेंगे तो आपके पास ये और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रांजेक्शन अप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरीके से आपने जो है इसको नॉर्मलाइज करना है, तो यहाँ पर आके खुद भी टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.00। ठीक है, तो आपके पास 6 सेकेंड्स अप्लाई हो जाएगा। यही ट्रांजिशंस आपने तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो तमाम स्लाइड्स पे हो जाएगी। नेक्स्ट, आपके पास ये जो आपके पास स्लाइड्स चेंज हो रही हैं, ठीक है, वो आप जब तक जो है वो कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे एंटर का या फॉरवर्ड का, जब तक आपके पास स्लाइड चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास किस पे चेक लगा हुआ है अभी, ऑन माई माउस क्लिक। जब आप ऑन माउस क्लिक पे से चेक हटा देंगे और यहाँ पर उसको बताएंगे कि कितने सेकंड बाद खुद आपके पास जो आपकी स्लाइड है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंक्रीज करेंगे, अब मैंने कितना कर दिया, 3 सेकंड। ठीक है, और मैं क्या चाह रहा हूँ ये सब पर अप्लाई हो जाए, तो आपके पास तमाम स्लाइड जो हैं ये 3 सेकंड्स पर आ जाएंगी। ठीक है, इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि 3 सेकंड्स पे आ रही है कि नहीं। ठीक है, ये खुद ब खुद आपके पास चेंज हो रही है, हम लोग अभी कोई की प्रेस नहीं कर रहे। इसी तरह आप जब भी आप लोग जो है वो ड्यूरेशन चेक करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्लाइड को 5 सेकंड दें, किस स्लाइड को 6 सेकंड दें। वहां पर आपको हर स्लाइड पे जाके चेंज करना होगा अपनी मर्जी से। अगर आप सब पे एक जैसा करना चाह रहे हैं, किसी भी एक स्लाइड का जो है वो टाइमर यहाँ पर सेट करें और अप्लाई टू ऑल कर दें, तो क्या होगा, आपके पास वो तमाम आपके पास स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट टैब है, वो एनिमेशन का टैब। एनिमेशन का टैब क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट को आपने एनिमेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि वेलकम जो है आपके पास अभी जैसे हम स्लाइड स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ ये किसी न किसी एनिमेशन के अंदर आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको चाह रहा हूँ इस तरह। ठीक है, जब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और F5 की प्रेस करूंगा, तो अभी आपके पास जब ये आपकी ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास मूव होकर आएगा। ठीक है, एक तो हो गई आपके पास कि आपने इस पे एंट्रेंस की अप्लाई की, इसी तरह आपके पास इफेक्ट्स भी आ रहे हैं अलग अलग कि आप कौन सा इफेक्ट जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं, नीचे से आपके पास आए, टॉप टू बॉटम आए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, और भी आपके पास अलग अलग इफेक्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास अभी हमने इसकी क्या एंट्री की थी, एंट्रेंस, यानी जब ये टेक्स्ट आए उसके बाद एम्फेसाइज, यानी कि थोड़ी देर आपके पास ये ब्लिंक करें, तो आप उसके बाद जाएंगे एम्फेसाइज में और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया पल्स, ठीक है, और ओके कर दिया। देन जब ये आपके पास एम्फेसाइज हो जाए, तो अब यहाँ पर आपके पास ये एग्जिट भी हो, यानी गायब हो जाए। ठीक है, तो मैंने ये 3 ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई किए, इसको हम प्ले करते हैं। क्या प्रॉब्लम आई है कि जब हमने 3 चीज़ें अप्लाई की, तो पहली वाली को उसने खुद ब खुद हटाना शुरू कर दिया, यानी कि पहले हमने एंट्रेंस अप्लाई की थी, उसके बाद हमने एम्फेसाइज अप्लाई किया था, और उसके बाद हमने उसका एग्जिट अप्लाई किया था। लेकिन जब हम इसको अप्लाई कर रहे थे, तो एक वक्त में एक ही अप्लाई होगा, उससे बचने के लिए या उसको ऐड करने के लिए हमें ये ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे इसका एंट्रेंस ऐड कर रहा हूँ, मोर में गए और एंट्रेंस में आके फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको फ्लाइन कर दिया इस तरह। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे ऐड एनिमेशन में,
और यहां से अब मैं ऐड करूंगा ये पल्स, ठीक है। उसके बाद फिर ऐड एनिमेशन में, और यहां पर आने के बाद मैं इसको एग्जिट कर दूं, ठीक है। अब यहां पर एनिमेशन पेन, जब यहां पे ये चीज देखेंगे तो यहां पर तीन ट्रांजेक्शन आपके पास ऐड हो जाएंगी। पहले ये चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप हर उस पर देख रहे होंगे कि जिस ट्रांजेक्शन पे भी अप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर ऑन क्लिक लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूंगा या मैं कोई क्लिक नहीं करूंगा, ये आपके पास अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये खुद ब खुद हो बगैर मेरे कुछ किए, तो यहां पर आप क्लिक के बदले, आप इसको दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं इसके पास, एक होता है विथ प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। यानी कि जैसे ही आपके पास स्लाइड स्टार्ट हो, ट्रांजेक्शन अप्लाई हो, और उसके फौरन बाद या उसके साथ साथ ही ये चलना शुरू कर दे, या आप चाह रहे हैं कि पहले ट्रांजेक्शन पूरी हो जाए उसके बाद ये चलना स्टार्ट हो, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ आफ्टर प्रीवियस, यानी ट्रांजेक्शन जब पूरी हो जाए उसके बाद ये चले। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी ऑन क्लिक हुआ हुआ है। अब अगर विद प्रीवियस कर दूंगा तो सारी ट्रांजेक्शन एक साथ हो जाएंगी। मैं चाह रहा हूँ पहले एंट्रेंस हो, आफ्टर प्रीवियस आपके पास एम्फेसाइज हो, और उसके बाद जो है फिर आपके पास जो है वो एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो अब इसको हम प्ले करते हैं, देखें पहले आपके पास ये ट्रांजेक्शन इसकी प्रॉपरली प्ले होगी, ठीक है, ठीक है। देखा, अब मैंने कोई की प्रेस नहीं की, खुद ही एंटर हुआ ये, खुद ही एम्फेसाइज किया, यानी उसने अपने आप को हाईलाइट करवाया और खुद ही एग्जिट हो गया। अब इन तमाम ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपके पास जो है वो ड्यूरेशन भी मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से 50 सेकेंड्स किए हुए हैं, यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं इसको और यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी ना हो, थोड़ा सा टाइम ले, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इस जगह पे अभी देखें दो कर्सर आ रहे हैं, एक कर्सर ये आ रहा है और इसके अंदर एक ब्लू ब्लैक कलर का कर्सर आ रहा है, इसको आप पकड़ के थोड़ा सा आगे मूव कर दें, ठीक है। और इसको भी आप ड्रैग करके आगे मूव कर, अब क्या होगा, जल्दी जल्दी नहीं होगा ये काम, थोड़ा सेकंड जो आपके पास यहाँ पे लेगा। अब मैंने F5 प्रेस किया, पहले आपके पास ट्रांजेक्शन अप्लाई करेगा ये, कुछ सेकंड रुका, अब एम्फेसाइज करेगा अपने आपको, ठीक है, अब कुछ सेकंड बाद ये एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी स्लाइड्स को या एनिमेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा अगर मुझे कुछ शो करा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि इस जगह पर कोई एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसको टैग करूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से शेप्स ली और शेप लेने के बाद मैं एक इस तरीके से मैंने एक ये टैग बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये टैग स्टार्ट में यहाँ पर हो, जब आपकी इमेज स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद ये टैग स्लाइड होकर आ जाए, जैसे टैग आती है किसी भी इमेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एनिमेशन में जाऊंगा, और एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ से ऐड एनिमेशन में से ये तीनों नहीं लेने, मुझे लेने यहाँ पे मोर पाथ्स, यानी कि आप डायरेक्शन अपने हिसाब से मैं इसको मूव कराऊंगा। यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे लेफ्ट टू राइट चाहिए, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे दो आपके पास आइकन बने हुए आ रहे हैं, एक ग्रीन यानी कि एंट्रेंस है और एग्जिट। मैं चाह रहा हूँ एग्जिट थोड़ा सा आगे जाकर हो इस जगह, ठीक है। इस स्लाइड को चला के देखते हैं, पहले हम शिफ्ट F5 प्रेस किया मैंने, पहले ट्रांजेक्शन आपकी चलेगी, ठीक है, उसके बाद ये एक टैग आके रुक जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि इस टैग के अंदर कोई टैक्स एडिट कर दूँ, मैंने एडिट टैक्स किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेडिसन्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जब भी आप ये प्ले करोगे, मैंने शिफ्ट के साथ F5 प्रेस किया, ठीक है, ये देखें, ये खुद जो भी आपने टैग देना हो, ज़रूरी नहीं ये दें, आप कुछ भी टैग दे दें, और यहाँ पर ट्रांजिशन आपने चेंज नहीं करनी, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि जब तक मैं क्लिक नहीं करूँ जब तक चेंज ना हो, तो यहाँ पर ऑन क्लिक पर मैंने टैग लगाया, सही है। तो ये आप यहाँ से पाथ के थ्रू भी एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह ये आपके पास जो है वो ऑटो चल रहा है ड्यूरेशन, ठीक है। आप इसको यहाँ से बढ़ा के कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अब चेक करता हूँ, सही है।